हेलो फ्रेंड, बीटेक मैथमेटिक्स अमन चौहान के चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे बेस्ट ट्रिक फॉर लर्न ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला मल्टीपल एंगल्स एंड सब मल्टीपल एंगल्स के बारे में, जिसमें आपको मैं बताने वाला हूँ कि साइन 2a, तो यहाँ पर देखिए जो साइन 2a है तो इसे डबल एंगल है, तो इसमें जब टूट रहा है तो वन एंगल में चेंज हो रहा है, और साइन के साथ में इसका एक कॉन्जुगेट जरूर आता है, यानी कि इसको याद कर सकते हैं आसानी से 2 sin a cos a। और यहाँ पर देखिए एक एंगल है, ई एंगल बस है, तो ये ए एंगल है तो ये हाफ में डिवाइड हो जाएगा 2 sin a/2 cos a/2 में। और cos 2a का फार्मूला देख लीजिए, cos 2a का हो जाएगा cos² a - sin² 2a। बस ये आप फार्मूला याद रखेंगे, इसमें थोड़ा सा परेशानी होता है, cos² a - sin² a, और इसमें आप यहाँ साइन की जगह पर अगर कॉस पुट कर देते हैं तो ये 2 cos² a - 1 मिल जाएगा, और कॉस की जगह पर साइन पुट करते हैं 1 - 2 sin² a आपको मिल जाएगा। और cos थीटा है तो थीटा 1 है तो यहाँ पर इसका डिवाइड हो जाएगा, आधा एंगल हो जाएगा cos² θ/2 - sin² θ/2। अब इसी तरह आप यहाँ पर साइन के जगह कॉस डाल देंगे तो 2 cos² θ/2 - 1 और 1 - 2 sin² θ/2 मिल जाएगा, 2 cos² a। 2 cos² a यहाँ पे a है, इसका मल्टीपल 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 + cos² a आपको आसानी से मिल जाएगा, 1 + cos² a, और 2 sin² a है तो 1 - cos² a आपको मिलेगा, 2 cos² a/2, यानी कि यहाँ हाफ एंगल है और हाफ एंगल का मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, तो हाफ एंगल का मल्टीप्लाई 2 से हो रहा है तो यहाँ पर मान लीजिए कि इस तरह की से याद कर सकते हैं कि ये 2 2 मान लीजिए कैंसिल तो नहीं होता है, लेकिन ट्रिक जान लीजिए ये 2 2 कैंसिल ट्रिक के द्वारा, और 1 + cos a आपको मिल जाएगा, 2 sin² a/2 इसका भी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 - cos a। और tan 2a का काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, इसको आप थोड़ा दिक्कत होगा लेकिन आप इसको याद कर लीजिएगा, बार बार वीडियो के द्वारा आप देखेंगे तो इस तरह से आसानी से याद हो जाता है, 2 tan a - tan² a। और tan a का इसी का ये याद हो गया, तो ये डबल एंगल है तो इसका 1 एंगल है, ये एक एंगल है तो इसका हाफ एंगल हो जाएगा बस। साइन टू ए का फार्मूला हमने ऊपर आपको बताया था, 2 sin a cos a, और इसका एक और फार्मूला है 2 tan a 1 + tan² a, ये tan 2a का काफ़ी सेम तरह से मिलता है, लेकिन इसमें tan 2a में माइनस होता है और sin 2a में प्लस होता है, बस ये इतना ही डिफरेंस आपको इसमें जानना है। cos 2a का फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंस होता है, 1 - tan² a / 1 + tan² a। इसी तरह sin 3a का फार्मूला आप याद कर सकते हैं, 3 sin a - 4 sin³a, 3 sin a - 4 sin³a। और cos 3a का फार्मूला 4 cos³a - 3 cos a। इसी तरह से आप इसको वीडियो को बार बार देखकर रिवीजन करके आसानी से इसको याद कर सकते हैं, इस तरह से इसका इसी तरह का ट्रिक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।